नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में श्री राम हर्षन मैथिल सत्य पीठ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट न्यास के अध्यक्ष जगरु रामाचंद्राचार्य श्री श्री 1008 वल्लभचार्य जी महाराज के समक्ष अन्य क्षेत्र का कार्यक्रम निरंतर प्रतिदिन प्रारंभ चलता रहा है, जिसमें गरीबों, असहाय संतों और दूर दराज से आए हुए भक्तों को प्रतिदिन भंडारे का प्रसाद बैठा कर कराया जाता है। इस सेवा के श्री राम हर्षन मैथिली सख्य पीठ धर्मार्थ से सेवा ट्रस्ट न्यास द्वारा किया जा रहा है, जिसमें गो सेवा, गरीबों को वस्त्र दक्षिणा और जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करता है। यह ट्रस्ट श्रद्धालुओं की सेवा भाव के लिए लगातार निरंतर कार्य कर रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदुरु रामाचंद्राचार्य ने बताया कि यह ट्रस्ट गो सेवा, मानव से मानव सेवा व मानव सेवा लगातार कर रहा है और गरीबों की लगातार मदद 2017 से कर रहा है। महेश जगदुरु ने बताया कि यह एक ट्रक सभी श्रद्धालुओं का है और सभी लोगों को इसमें आगे बढ़कर ट्रस्ट में भाग लेना चाहिए और ट्रस्ट की कार्यों को निरंतर प्रगति की ओर लेकर जाना चाहिए। सेवा निरंतर करता है और इस लक्ष्य को लेकर के कर रहा है। इन सेवाओं से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। विश्व में रमण करता उसका रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे आत्मनि, समस्त योग जन रमणीय श्री राघवेंद्र सरकार ही इन रूपों में विराजमान हैं। वही गरीब ही बन जा रहे हैं, वही दीन दुखी भी बन जा रहे हैं, वही गौ माता बन जा रहे हैं, वही बंदर के रूप में आ रहे हैं। इसी भाव को लेकर के यह ट्रस्ट निरंतर सेवा कर रहा है 2017 से लेकर के और करता रहेगा। यहाँ आने वाले जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको भी वस्त्र भोजन की व्यवस्था दी जाती है। प्रयास ये किया जाता है कि दूर दूर से जो भी भक्त प्रेमी श्रद्धालु आते हैं उनको इस दरवाजे से भूखा न लौटा जाए, उनको भोजन की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था अवश्य ही प्रदान हो और अयोध्या धाम से वो संतुष्ट होकर के जाएं, उन्हें ये पता लगे कि हम अयोध्या धाम में श्री राम जी की पुरी से आ रहे हैं, श्री राम जी का दर्शन और हमारे राम जी अयोध्या में आने पर स्वागत करते हैं। और ये हम चाहेंगे भी कि ये ट्रस्ट जो हमारा संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है, इसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लोग लग करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अपने अपने घरों से थोड़ी थोड़ी भाग भी निकालेंगे तो बहुत होगा। प्रयास तो ये करना चाहिए धर्म संहिता के अनुसार कि अपनी कमाई का दशमांश भगवान की सेवा में लगावे, तो दशमांश एक स्थान पर नहीं, वो और स्थानों पर भी लगाएं, पर कुछ न कुछ अंश इस ट्रस्ट को ही लगा कर, ट्रस्ट में भी लगा करके गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करें। अन्य क्षेत्र जो चल रहा है उस अन्य खबर मुजफ्फरनगर से। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है, जिसके चलते आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नाम देते हुए सहारनपुर जनपद से गुरुवार को एक साइकिल यात्रा शुरू की, जो आज मुजफ्फरनगर जनपद में पहुंची है। बताया जा रहा है कि यह साइकिल यात्रा सत्ता परिवर्तन कर बहुत सजा को सत्ता में लाने के लिए शुरू की गई है।
जो गांव जाकर सभी को जोड़ना का काम करेगी। चंद्रशेखर आजाद की माने तो ये साइकिल यात्रा 21 जुलाई को भीम आर्मी के स्थापना दिवस पर समाप्त होगी। आपको बता दें कि सैकड़ों अपने समर्थकों के चंद्रशेखर आजाद लोगों को जोड़ने के लिए जिस साइकिल यात्रा पर निकले हैं, इस यात्रा को देखने पर तो ये प्रतीत होता है कि अब कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं। इस साइकिल यात्रा के दौरान कोविड नियमों की जमकर अनदेखी की गई है। और जो अभी सत्ता है उसको परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार में बेहाल ना हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं, सब परेशान है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, जो भर्ती आ रही है उसमें घोटाले हो रहे हैं, नौजवान जो है जब नौकरी मांगने जा रहे उनको पीटा जा रहा है, और जातिगत जनगणना जो बहुत जरूरी है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, तमाम तरह से किसानों की परेशानियां, किसान बैठे आंदोलन में, हम उन सब बातों को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, रोज हत्याएं हो रही है व्यापारियों की, फिरौतियां मांगी जा रही, जो पिक्चरों में होता था वो उत्तर प्रदेश में रियल में हो रहा है। इस भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार को बदलने के लिए हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को तैयार करेंगे, क्योंकि ये अब आने वाले समय में बांटने का काम करेंगे, माहौल खराब करने का, इसलिए हम भाईचारा बनाने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान के साथ मैदान में हैं। और अब कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आजाद समाज पार्टी के लोग काम नहीं करेंगे, 8 महीने लगातार काम करेंगे, सरकार बदलेंगे और गरीबों की सरकार लाके गरीबों के लिए सुख सुविधाएं और वो जो संसाधन मिलने चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये खबर रुड़की से। रुड़की शिक्षा नगरी में काफी सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। रुड़की शहर का नेहरू स्टेडियम जो कि शहर के बीचों बीच में बना हुआ है, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम में कोई भी सही संसाधन उपलब्ध नहीं। रुड़की नगर निगम या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि नेहरू स्टेडियम की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रुड़की शहर के बीच में बना नेहरू स्टेडियम को खेल की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद ही बेहतर जगह है, जो कि आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कोई भी अच्छी सुविधा अभी तक यहां पर उपलब्ध नहीं है। रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने बताया कि राज्य सरकार से कई बार बजट पास हुआ और बजट भी 5 करोड़ का नगर निगम में आया था, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते स्टेडियम का सौंदर्यकरण नहीं हो पाया। तीन बार मैं कहता हूँ, मतलब घोषणा हो चुकी है, पहले हरीशावत जी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, देवेंद्र रावत जी ने घोषणा करी थी, और बजट भी निगम में 5 करोड़ रुपये का आया हुआ है। आज भी मैं आपको नंबर देता हूँ, और किसी राजनीतिक कारणों के वजह से सड़क को काम रुक जाता है बार बार। असल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है यहाँ पर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्रीड़ा विभाग है वो कहते हैं कि स्टेडियम हमें हैंड ओवर कर दें, नगर निगम कहते हैं कि हम अपने सर से काम कराएँ, यहाँ पर नगर बात हो जाती है, इसलिए वो उसका जो है उधार नहीं पा रहा है। तो आपके द्वारा क्या मतलब प्यास आएगी भाई, कम से कम इसमें खेलने का मैदान, लोगों के बैठने की जगह, शेड और बास्केटबॉल ग्राउंड और बैडमिंटन कोर्ट वगैरह इसमें बन जाए, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगी कि पैसा मंजूर हुआ है 5 करोड़ पे, लेकिन उसमें पैसा लगाए और स्टेडियम को जो है एक मिनी कॉम्प्लेक्स का उसको रूप दे। खबर संभल से। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज होगा मतदान। भाजपा के डॉक्टर अनामिका यादव को सम्मान से प्रिया यादव चुनावी मैदान में मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी आज कर सकेगी। किसी के सर पर जिला पंचायत अध्यक्ष का ताज। आज 11 बजे से 3 बजे तक मतदान। जनपद संभल से बहजोई मुख्यालय पर होगा मतदान और मतगणना। खबर उन्नाव से। युवक ने लगाया मारपीट का आरोप। केस में जमानत लेने पर मारपीट का आरोप, पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। माखी खांड में पीड़िता के चाचा की ली है जमानत। पीड़िता की तहरीर पर माखी पुलिस ने 3 नामजद लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। एडिशनल एसपी शेखर सिंह का बयान, शराब पीकर झगड़े की बात प्रकाश में आई है। एसीपी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो आज आपके रिश्तेदार को मारा पीटा गया है,
क्या मामला है जो आपके रिश्तेदारों को मारा पीटा जा रहा है? ये मेरे चाचा के पैरों पर, मेरे चाचा की इन्होंने बेल ली, मेरे फूफा हैं, तो उनको धमकाया जा रहा है कि इनकी भैंस इनकी बेल वापस ले लो, ये सबको जान से मार दो। तो ये जो बालेंद्र सिंह हैं, इनको कुलदीप सेंगर के कह मतलब रिश्तेदारी है, मतलब उन्हीं के कहने पे धमकाया जा रहा है जमानतियों को, इन लोगों को मारो पीटो कि महेंद्र सिंह की जमानत न ले पाए। क्या लगता है कि घर में रह रहे थे उसके बावजूद भी लगभग कितने लोग थे, कहे कहे से मारा पीटा था? राड से, लोहे के डंडे से, राड से, राड ही से मारा है, तभी तो इतना ही है सर। अगर ऐसा ही होगा तो सर कौन जमानत लेगा सर? ये बहुत गलत हो रहा है। कौन लोग थे जो लगातार ये चीज ये बताएंगे ना? बालेंद्र सिंह थे, बालेंद्र के बड़े वाले जो भाई थे वो भी थे, उनको तो अंदर पुलिस कर दी थी, लेकिन जो मुलजिम मारे थे उसको पुलिस अभी नहीं पकड़ पाई थी। उसके ऊपर 32 केस हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में। अभी 6 तारीख को मारा था ना, 6 तारीख को मारा था, डॉक्टरी हुई, तब भी नहीं अंदर किया। सर एक माखी थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? माखी थाना क्षेत्र में एक संदीप सिंह है, इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति बालेंद्र इनके साथ मारपीट किया है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। वजह क्या बताई है मारपीट? मारपीट की कोई खास वजह नहीं है, शराब पी करके झगड़े की बात अभी तक प्रकाश में आई है, इसमें और गहराई से जाँच की जाएगी और जो भी इसका कारण होगा उसके आधार पर विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। एक पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया है कि हमारे जो मामा है महेश सिंह है और वो उनकी जमानत के लिए हम लगे थे, इसलिए हमें धमकियां दी गई। ये बात विवेचना के मध्य, जो भी बात होगी विवेचना के मध्य आएगी, अभी इसके कुछ कहना जल्द। खबर उन्नाव से, जबरन कब्जा कर रहे दूसरे के खेत में पीड़ित पक्ष दर दर की ठोकरें खाकर लगा रहा न्याय की गुहार। पहले भी कई बार की जा चुकी कोशिश, पीड़ित ने सदर एसटीएम से लगाई थी न्याय की गुहार। पीड़ित के खेत में गांव में ही दबंगों द्वारा किया गया जा रहा था कब्जा, जिसको लेकर हुई मारपीट, पीड़ित ने उन्नाव कप्तान से लगाई गुहार। खबर आगरा से, जमीनी विवाद को लेकर दो गांवों के बीच के लोगों में गोलियां चली। नगरिया के ग्रामीणों का आरोप, अरदया गांव के लोग सरकारी जमीन पर करना चाहते हैं कब्जा। अरदया व नगरिया गांव के लोगों के बीच विवाद हुआ। अरदया गांव के लोगों ने नगरिया के ग्रामीणों पर फायरिंग की और दो व्यक्ति को गोली लगने व दो व्यक्ति फावड़ा कुल्हाड़ी के हमले से घायल हुए। फायरिंग करने वाले लोगों से ग्रामीणों ने छीने लाइसेंस हथियार। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने थाना अचनेरा क्षेत्र के गांव अरदया व नागरिक का मामला।